तो तो दोपहर में हम लोग सारे सो रहे थे और जब हम लोग उठे तो हमने देखा कि ये हमारा मोयजा जो है वो वाशपेगन में सोया हुआ था और इतने आराम से यहाँ पे सो रहा था इतना प्यारा लग रहा था और फिर उठने का नाम भी नहीं ले रहा था तो खैर दोपहर के खाने में आज मैं बना रही थी चिकन स्ट्रेफ्राई और ये बहुत इजी रेसिपी है मैं कहती हूँ इतनी जल्दी बन जाती है कि बहुत बहुत जल्दी बन जाती है मैंने सबसे पहले हाफ के जी जो है वो बोनलेस चिकन ले लिया था और उसको क्यूब्स की फॉर्म में काट लिया था तो टू एंड हाफ टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल लिया था उसके अंदर मैं इसको फ्राई कर रही थी हाफ़ टी स्पून मैंने जिंजर पाउडर एंड हाफ टी स्पून मैंने गार्लिक पाउडर लिया था और उसके अंदर अच्छी तरह से मैं इसको फ्राई uh, कर लूँगी uh, जो चूल्हे की आँच है वो तेज़ ही होनी है वो हल्की नहीं होनी अच्छा मेरा ये कंटेंट नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपीज़ वग़ैरह शेयर करूं लेकिन ये कि मेरे ब्लॉग का हिस्सा है तो इसलिए फिर मैं जो कर रही होती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ आई सो कि आप लोगों को अच्छा लगता है और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ मेरे लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी अच्छा इसको बहुत अच्छी तरह से हमने फ़्राई कर लेना है इसमें आम, मैंने हाफ़ टी स्पून जो वो पिंक सॉल्ट ऐड किया था आ, पिंक सॉल्ट मैं इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि पिंक सॉल्ट मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि जो दूसरा वाला नमक है आ, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और मुझे उसका इतना ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं होता तो आ, पिंक सॉल्ट जो है वो मैंने इसके अंदर अकॉर्डिंग माई टेस्ट मैंने शामिल किया था हाफ़ टी स्पून और फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था जो दूसरी वाली चीज़ें हैं तो पहले मैं आप लोगों को जो है वो दिखा दूँ कि मैंने नमक इसके अंदर जो है वो कितना इस्तेमाल किया था मैं यहाँ पे ये चाह रही थी कि दोनों तरफ से बोनलेस चिकन जो है वो बहुत बहुत अच्छी तरह से पक जाए क्योंकि इसको सिर्फ यहीं पे पकाना है बाद में इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसके अंदर सिर्फ हमने चीज़ें मिक्स करनी है तो ये यहाँ पे मैंने पिंक सॉल्ट जो है वो शामिल किया था हाफ़ टी स्पून उसके बाद जो है इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ऑयल जो है वो बिल्कुल लैदा हो गया है जिसका मतलब यह है कि चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया जैसे चिकन अच्छी तरह से फ़्राई हो जाएगा इसको मैं निकाल लूँगी और सेपरेट कर दूँगी इस पैन से अच्छा चिकन जैसी मैं निकाल लूँगी उसके बाद इसी वाले ऑयल में मैं शामिल करूँगी तकरीबन वन एंड हाफ कप जो है वो मैंने बेल पेपर्स ली थी रेड ग्रीन एंड येलो और हाफ कप जो है वो मैंने लिया था कैरेट्स का और जो बेल पेपर है वो मैंने वो भी मैंने ऐसे क्यूब्स में फॉर्म में काटी थी ताकि वो देखने में भी अच्छी लगे और जो है वो आम, मज़े के भी हो तो यहाँ पे मैंने ली थी जस्ट हाफ कप जो है वो मैंने कैरेट्स ली थी और उसी वाले ऑयल में मैं इनको हल्का सा फ़्राई कर लूँगी ताकि ये बहुत ज़्यादा इनको हमने नहीं करना क्योंकि ये थोड़ी क्रंची भी रहें और सॉफ़्ट भी नहीं हो अगेन कि आपने हाई हीट के ऊपर ही इसको ना फ्राई करना है तो आ, ये भी मैं आज अपनी सिस्टर के लिए बना रही थी क्योंकि उसको नए खाने खाना बहुत अच्छा लगता है हस्बैंड को तो लगता ही है लेकिन सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद है तो आ, साथ मैंने जैसे थोड़ी सी कैरेट्स जो हैं वो हो गई थी साथ मैंने बेल पेपर जो है उनको ऐड कर दिया था और आ, इनको अब मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर हाई हीट के ऊपर जो है ना वो फ्राई कर लूँगी अच्छा मैं ये बना ही रही थी तो अचानक से हमारा अभी मैंने जैसे ही इसके अंदर वेजिटेबल जो है वो ऐड की तो मुझे घर से पैगाम मिला कि हम लोग बाहर जा रहे हैं किसी काम से तो आ, बहन अभी स्कूल से आई थी और उसको अभी खाना नहीं खाना था और हमें भी अभी नहीं खाना था इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी थी तो सब ने कहा कि नहीं नहीं पहले बाहर चलते हैं और उसके बाद जो है ना वापस आके आप ये बाकी का काम जो है वो कर लेना तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है चली जाती हूँ तो ये रेसिपी जो है वो मैंने तकरीबन दो हिस्सों में करके बनाई है ये बहुत छोटी सी रेसिपी है लेकिन फिर भी दो या तीन हिस्सों में हो होगी क्योंकि रात को ही मैंने इसकी सब्जियां वगैरह जो हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसके तैयार करके रख दिए थे और सुबह उठ के मुझे यही था कि सिस्टर के स्कूल आने से पहले बस पाँच मिनट में ये सारा कुछ बन जाएगा हाई हीट के ऊपर जस्ट चिकन को जो है वो तैयार करना है और बाद में सारी चीज़ें इसके अंदर ना मिक्स कर देनी है तो आ, लेकिन जो इंसान का हमेशा इरादा होता है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरा जाता तो खैर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे खाना दरमियान में ही छोड़ के जाना पड़ा तो फिर मैं वापस आई तो आगे जा के आप लोगों को दिखाती हूँ व्लॉग में कि मैं कहाँ पे गई थी तो आ, फिर खैर मैंने इनको वापस आके दोबारा से स्टार्ट किया था अभी मैंने आके दोबारा पैन ऊपर रखा था और दोबारा से जो है ना वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी तो चिकन ये जो सब्जियां हैं ये बहुत अच्छी तरह से हो गई थी स्टे फ्राई ये भी हो गई थी और उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो दूसरे इन्ग्रीडियंट्स वो मैं शामिल कर दूँगी मैंने इनको चावलों के साथ बनाया था और चावलों के साथ ही ये बहुत मज़े के लगते हैं बहुत ही यमी बना था टेस्ट बहुत अच्छा था आप लोग भी अगर कभी ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता बताया करें तो अभी यहाँ पे जो चिकन मैंने फ्राई किया था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और साथ में जो दूसरे मसाला जाते हैं वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल कर दूँगी आपने ये ख्याल रखना कि जो बेल पेपर हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो जाएँ और कैरेट भी क्योंकि अगर वो सॉफ्ट हो गई तो फिर इसका टेस्ट या देखने में भी अच्छी नहीं लगेंगी तो उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था तकरीबन मैंने टू एंड हाफ टी स्पून जो है वो शामिल किया था इसके अंदर डार्क सोया सॉस कौन सा है वो वाला और मैंने दो दफ़ा करके डाला था क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि ये ज़्यादा नहीं पड़ जाए क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो खानों का टेस्ट जो है ना वो बहुत बुरा हो जाता है तो आ, ये जो ब्लैक कलर आ रहा है ना असल में आ, इसी का सारा कमाल है चिकन फ्राई में आ, और फिर मैंने शामिल कर दिया कर दिया था इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही गार्लिक एंड हाफ टी स्पून अगेन जिंजर पाउडर साथ में मैंने शामिल किया था इसके अंदर वन क्यूब जो चिकन आ, का होता है वो वाला चिकन कनौर का क्योंकि उससे थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर और आ, आपने इसका ये ख्याल रखना है कि चिकन कनौर का जो आ, नमक है वो भी उसके अंदर होता है अगर Uh, सारा हम uh, नमक का ख्याल नहीं रखेंगे तो नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा क्योंकि सोया सॉस और ये जो दूसरी सॉसेस हैं इनके अंदर भी होता है अच्छा ये मैंने वन एंड हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर शामिल किया था तकरीबन uh, जो uh, चिली सॉस है वो वाली और uh, मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल किया था वाइट वाली कौन सी uh, वाइट पेपर जो होती है वो वाली तो आ, वैसे आप लोगों को मैं ये चीज़ें जैसे बता रही हूँ मैं लेकिन अंदाजे से ही सारी चीज़ें शामिल करती हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है कि कितनी चीज़ कितनी डालनी है आ, मैंने शुरू से खाना जो है ना वो ऐसे ही बनाया है आ, यहाँ पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था वन टी जो है वो मैंने शामिल किया था तकरीबन उसका कॉर्नफ्लोर का पानी के अंदर और उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया था और इसी से जो सारी सॉस है हल्की सी वो बन जाएगी और जैसे ये पक जाएगा इसको मैं साइड पे कर लूँगी अच्छा मैं बात कर रही थी कि मुझे आदत नहीं है नाप तोल के कुछ भी पकाने का और इस सिलसिले इसी तरह कभी कभी खाना भी बहुत ज़्यादा बन जाता है मेरे से लेकिन बात यह है कि मुझे इसलिए आदत नहीं है क्योंकि कभी खाना ऐसे बनाया ही नहीं है कि मैं पूछ के बनाऊँगी कितना किसी ने खाना है और कितना नहीं खाना हमेशा अंदाजे से ही खाना जो है ना वो बना लिया जाता है तो ज़्यादा भी बने ना तो आ, कोई ऐसा अल्लाह तला का फजल होता है कि उस दिन कोई ना कोई घर में ज़रूर आ जाता है और वो एक ही दिन में खाना जो है ना वो ख़त्म हो जाता है तो आ, अच्छा लास्ट स्टेप ये है कि इसमें ऐड करना है मैंने हनी और आ, हनी का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा मीठा आता है इसके अंदर लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनता है तो आ, मैंने इसका जो हनी है वो मैंने उतना ऐड नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था मैंने जस्ट हल्का सा किया था ताकि उसका जो टेस्ट है सिर्फ टेस्ट जो है वो आ जाए वो जो मीठा हो जाता है वो नहीं आए तो खाना वैसे बन के बिल्कुल तैयार हो गया ये वाला चिकन फ्राई और जो अंदर बेल पेपर है वो बिल्कुल सही नज़र आ रही हैं क्योंकि मैंने बहुत ख्याल रखा है कि उनको हीट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगे आपको स्टील चम्मच हिलाते रहना पड़ता है कि जो सब्जियां अंदर से वो सॉफ्ट नहीं हो जाए तो मैंने जस्ट टू पिंच तकरीबन जो है वो एक चौथाई चम्मच भी कैले टी स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर एड किया था हनी का ये लास्ट स्टेप था हमारा और उसके बाद जो है ना ये बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया था मैंने इसको आगे आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने इसको चावलों के साथ खाया था और इतनी जल्दी और इतनी यमी ये रेसिपी बनी थी ना और अगर घर में मेहमान भी आए और तब भी अगर हम लोग ये खाना बनाएं तो आई होप सो कि उनको बहुत पसंद आएगा तो मैंने इसको गार्निशिंग के लिए ऊपर इसके हल्के से जो तिल है ना वो डाले थे आप लोग चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आप लोगों के पास घर में नहीं है तो सब्जियाँ देख लें वो बिल्कुल वैसी की वैसी थी साथ में मैंने चावल बनाए थे और चावल मैंने बिल्कुल सादा रखे थे उसके ऊपर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं डाला था तो अच्छा मैं आप लोगों को पीछे वीडियो में बता रही थी कि इसके बाद हम लोग कहीं जा रहे थे तो जहाँ हम लोग दरअसल रहे थे देसी अंडे लेने के लिए क्योंकि हमारे घर में काफ़ी दिनों से ख़त्म हुए थे और एक दिन पहले जब हम लोग बावन हॉफ पर गए तो वहाँ पे हमें पता चला कि वो तो आज के दिन बंद है तो बाहर मौसम जो है वो बहुत प्यारा हुआ हुआ था सर्दी बहुत ज़्यादा आजकल आ, लेकिन मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा लग रहा था तो आ, टाइम ऐसा था हम लोग तकरीब तो पाँच छः बजे घर से निकले थे और ये जो मौसम है वो तो अच्छा था ही था लेकिन बाहर रश बहुत ज़्यादा था हमें काफ़ी टाइम लग गया था जाते हुए आ, वैसे तो घर के पास ही है लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया था क्योंकि शायद छुट्टी का टाइम था लोग सारे जो हैं वो अपने दफ्तरों से घर वापस आ रहे थे तो एक दो चीज़ें भी मैंने मार्केट से लेनी थी फिर मैंने वो भी ख़रीदी और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे घर आके फिर आ, ये जो रेसिपी मैंने पीछे आप लोगों को दिखाई है इसको मैंने कंप्लीट किया था और शाम का खाना खाया था दोपहर का खाना बनाते बनाते हमारे घर में वो डिनर डिनर का बन गया क्योंकि दि सिस्टर ने रास्ते में आते हुए कुछ खाने की चीज़ ले ली थी तो उसने कहा कि मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं है तो खैर हमेशा वही नहीं होता जैसा हम सोचते हैं और ये व्यू चेक करें इतना प्यारा लग रहा था दोनों तरफ खेत थे और आसमान बहुत ही ख़ूबसूरत हुआ हुआ था और जब भी मैं इधर जाती हूँ मुझे हमेशा यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगता है वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं बाहर जाऊं चीज़ें लेने के लिए मुझे यही हमेशा अच्छा लगता है कि जो बाहर आ, मौसम की वजह से व्यू बनाता है ना वो बहुत अच्छा होता है तो वापसी पे हम लोग आल्डिया आ, आ गए थे आल्डिया के हम लोगों ने कुछ एक चीज़ें ली थी और फिर हम लोग घर वापस आ गए थे और घर वापस आते ही जो ये चीज़ें हमारे घर में सारी पड़ी हुई थी ये मैंने सारी अभी रखनी थी संभालनी थी तो आ, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें अगली वीडियो तक जी अल्लाह हाफिज़